हेलो दोस्तों, सोम विथ मैथ आपके स्टडी चैनल में स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे 27 का वर्ग यानी टू डिजिट, मतलब 27 से मतलब 99 तक का वर्गमूल कैसे निकालना है। ठीक है, शॉर्टकट इसको क्या करेंगे, दो दुना चार इसका वर्ग कर देंगे, सात का भी वर्ग कर देंगे। दो दुना चार, चार से पहले कुछ नहीं है, जीरो, क्योंकि एक डिजिट में है। जैसे 01 02 ऐसे लिखते हैं, उसी प्रकार से 04 लिख दिए। 47 49 ये टू डिजिट में है, तो 47 49 हो गया, दहाई में है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका इसका वर्ग कर दिए और दो का भी वर्ग कर दिए। ठीक है, डबल वर्गमूल निकाल दिए, इसका भी वर्गमूल वर्ग कर दिए। अब क्या करेंगे, इसका साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 14 2 28। ठीक, अब इसका प्लस कर देंगे, 9 का 9 यानी 9, 9 का 9 8 4 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 4 2 6 1 7 आंसर। यदि हम इसको चेक करना चाहें तो 27 × 27 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 2 14 और 4 18। ठीक, 2 7 14 ये 4 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 9 का 9 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7 आंसर। लेकिन इतना करने में समय लगता है अपने को, इतना करने में आप माइंड में ही कर सकते हैं। यदि आपका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से रहे तो आप अपने माइंड से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं, आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें एनीवन कोई भी डिजिट ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप लेते हैं 99। ठीक है, स्क्वायर, ठीक, तो 99 का हो जाएगा 9 81, 9 81, 9 81 81 दुना हो जाता है 2 8 2 16 162। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, ये लिख दिए और 162 लिखना है, तो 2 को यहाँ लिखना है, 6 को यहाँ और 1 को यहाँ, 1 8 2 10 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 9801 आंसर। इसको हम 99 का करेंगे, 99 फिर 99, इसको करने में बहुत समय लगेगा अपने को। जैसे 9 81 के 1 हासिल 8, 9 81 और 8 हो जाएगा 89। ठीक, फिर इतना ही आएगा, ठीक, 1 9 10 0 हासिल 1, 8 9 17 17 1 18 के 8 हासिल 1 9 आंसर। लेकिन इसमें समय लगता, मान लीजिए 99 है तो चलिए समय आ गया, लेकिन यहाँ पे दे देता 97 तो समय तो लगता ही।